अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत होगे, फुल मज़े में होगे, इंजॉय करोगे लाइफ को। अच्छा तो बॉयज़, जैसा कि लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि हम लाहौर जा रहे थे एहसन और मैं, मगर सीन ये हुआ है कि एहसन जो है वो निकल चुका है लाहौर के लिए, क्योंकि हमने निकलना दोनों ने 9 बजे था, बट वो 10:30 बजे निकला और मुझे तकरीबन 11 बज गए हैं और मैं अभी घर से निकल रहा हूँ। और वो उम्मीद है कि मोटरवे पर कहीं उसको मिल लेंगे, क्योंकि आधे पौने घंटे का घंटे का गैप पड़ जाएगा। अगर वो कहीं रुका तो उससे मुलाकात हो जाएगी मोटरवे पर, वरना फिर नहीं होगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा आ जाएगा। बाकी चलते हैं, मुलाकात होती है आपसे पंप पे जाकर। अच्छा तो बॉयज, पेट्रोल डल रहा है और पेट्रोल डलवाने के बाद हम चढ़ते हैं मोटर वे एहसन, और हमारे में आ गया 100 किलोमीटर का डिफरेंस। अब देखते हैं कि वो कवर होता है नहीं होता। रुक जा भाई, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अच्छा तो बॉयज, सफर का आगाज हमने कर लिया और बस अब खैर खैरियत से लाहौर पहुंचते हैं और आपसे मिलते हैं आगे मोटर वे पर चढ़कर मुलाकात करते हैं दोबारा। अभी तो मोटर वे चढ़ने में भी तकरीबन 50 किलोमीटर हैं, तो आपसे मुलाकात होती है मोटरवे चढ़कर। जी, पावर स्टीयरिंग की लाइट आ गई है और स्टीयरिंग फुल हार्ड हो चुका है इस टाइम। जलालत प्रोग्राम स्टार्ट, बाकी अब चलते हैं आगे खैर खैर से। फाइनली लाहौर पहुंच चुके हैं और ये पीएस की लाइट हमारे साथ सफ़र करके आई है। अब चलते हैं पहले बैरिया, उसके बाद देखते हैं अगर कोई कंप्यूटर वाला मिला तो इसको फिर लाइट को कंप्यूटर लगवाते हैं कि बंद हो जाए। माय गॉड, लाइट चली गई फाइनली हमारी। हमने गाड़ी बंद करके स्टार्ट किया। वेरी गुड, आई लव यू, वेरी गुड, वेरी गुड। अब नहीं आनी चाहिए ये लाइट यार, बहुत स्टेयरिंग हार्ड हो गया था। लाइट का मसला नहीं था, ये जो स्टेयरिंग हार्ड हो गया था ना, सारा मसला इसका था। खैर कोई नहीं, सारा रास्ता हमने ऐसे सफ़र किया। अब लाहौर में घूमेंगे लाइट के बगैर। बैरिया टाउन अंडर हो चुके हैं और अब जाता हूँ बॉयज़, जाके रिफ्रेश होता हूँ थोड़ा सा, इनके रास्ते में कहीं ब्रेक नहीं लगाई। बाकी चलते हैं अब और आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद। खुल जा सिम सिम, ये मैं अंदर आ गया हूँ। तो बॉयज़, ये तकरीबन अभी कोई 4 बजे का टाइम है और मैंने कहा ये पुराना व्लॉग था कल वाला, ये अपलोड कर दूँ। ये अपलोडिंग पे लगा हुआ है, बाकी ये भी जल्द मिल जाएगा आप लोगों को। बॉयज़, ये मिंट गुमरी रोड है जो लाहौर के, उनको तो अच्छी तरह पता है इस रोड का। आज तो मेरे ख्याल से मार्केट बंद थी, मगर यहाँ पर तो भाई रश पड़ा हुआ है अभी भी, मगर गैप है, मगर रश है फिर भी। संडे की वजह से नहीं होता थोड़ा सा। ये मेरे साथ आदिल भाई हैं। संडे की वजह से ना छुट्टी है, पास आज शिफ्ट चल रहा है, लोग फ्री होके लगता आ गए हैं आज। बाकी ये हम मिंट गुमरी से निकल आए हैं, बस हम एग्जिट कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं। अब चलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे। ये हमें ज्वाइन किया अहमद भाई ने, ये आगे आगे अहमद भाई जा रहे हैं हमें लीड करते हुए। अच्छा तो बॉयज़, जो अफ्तारी थी वो हमने कर ली, अब हमारी एक जगह पर अफ्तारी थी। मेरे साथ आदिल भाई हैं और अहमद भाई, वो आगे जा रहे हैं उड़ते हुए शूटर शूटर, क्योंकि वो लाहौर के हैं रहने वाले, उनको ज़्यादा बेहतर आइडिया पता है रास्तों का, इसलिए कुछ पूछा। अच्छा तो बॉयज़, एम्पोरियम आए हैं, हल्का फुल्का सा ज़रा घूम फिर लें, एम्पोरियम भी देख लें, आज तक देखा नहीं है, तो उसके बाद निकलते हैं वापसी के लिए। अच्छा तो बॉयज़, गाड़ी पार्क कर दी है और ये पार्किंग में, बाकी लोगों की भी लगी है। बाकी अब चलते हैं ऊपर और वेरी नाइस, वेरी नाइस ब्रदर, सारे शूटर शूट हुए हैं आज तो यहाँ पर। एम्पोरियम के अंदर आने के बाद ये हुंडई के शोरूम में जा रहे हैं जी। आदिल भाई ने गाड़ी देखनी है और जाते हैं गाड़ी देखते हैं, इन्होंने गाड़ी चेंज करनी है अपनी, तो इस लिहाज से। ये जी गाड़ी अंदर से है और आप देख सकते हो यार, कोई नहीं, इसको खुद कार्बन फाइबर करा लेंगे, मगर मसला ये है कि ना कंपनी दे रही है गाड़ी, उन्होंने कहा बुकिंग भी बंद है और गाड़ी भी अवेलेबल नहीं है। बाकी गाड़ी तो मज़ेदार है यार, सिविक से बेटर है, सिविक के बजट में तो ऑप्शंस भी हैं, सिविक के बजट में ठीक है ये। डाउनहिल लेकिन सिविक का भी फायदे में हमारी, हमारी तो गई यार। हाँ। चलो यार, हम लोग अब जा रहे हैं फूड कोर्ट और देखते हैं वहाँ पर क्या है। बाकी ये यहाँ पर तो फ्री के लोग वो मसाजर पे चढ़े हुए हैं और फुल रश है इस टाइम। चढ़े हुए बैठे हुए यार, मतलब चढ़ के बैठे हैं, मेरे कहने का मतलब ये समझ रहे आप, समझ रहे हो ना जी जी, चढ़ के बैठे हैं। बाकी चलते हैं आप लोगों को आगे दिखाते हैं। तो बॉयज, बाहर बहुत रश है अखीर किस्म का, बाहर में कैमरा निकालते हुए भी डरता हूँ ऐसे कोई पढ़ ना जाए कि भाई क्यों वीडियो बना रहे हो, हमको क्या पता यार, आपको एक छोटा सा ब्लॉगर है। बाकी ये हम जा रहे हैं वापसी नीचे बेसमेंट में, बिकॉज ऑफ अहमद भाई हमारे जो हैं वो चले गए हैं बेसमेंट में। अब चलते हैं वहाँ से, मुलाकात होती है नीचे जाकर। आपको भाई फुल भटक चुका है इस टाइम, आप लोग देख सकते हो वो पूरा क्या नाम है, बाहर से घूम के आ रहा हूँ गाड़ी में, मिले ही अंदर आने के लिए बड़ा लंबा रास्ता लिया आपको भाई ने,
बाकी चलते हैं। फाइनली ये सारा एरिया पल्ली तरफ से भी घूम फिर के हमें याद आया कि हमने जो व्लॉग बनाया था ना, व्लॉग के अंदर देखते हैं कि किधर गया है हमारा सेक्टर। रिकॉर्ड करता है यार, चलो बताएं ना, आपको भी दलालत काटनी पड़ेगी या बाकी चलते हैं अब नीचे, और नीचे जाके बेसमेंट में गाड़ी उठाते हैं अपनी। डर गई, यहाँ तो कहीं भी नहीं मिल रही है भाई। किधर गई, किधर गई वो? उधर खड़ी है कहीं पर। किधर है भाई वो? ये तो वो खड़ी। फाइनली मिल गई। वो बहुत दूर से नहीं बोलती ना, शरीफ बच्ची है। फाइनली यार, आफ्टर अ लॉन्ग जलालत प्रोग्राम, टांगे जो है मेरी जवाब दे गई हैं भाई, चल चल के, इतनी दर्द है। आज भाई एक्टिव होने चलाई है, बाकी अब बैठते हैं गाड़ी में। ये किसी भाई ने अपनी डिब्बी यहाँ पर रखी थी, इसके ऊपर आग ना लग जाए, मगर रख के डिब्बी किसके ऊपर गया, वेरी नाइस यार। थिंग वगैरह उठा ली है मैंने, और बाकी अब ब्लेज वगैरह उठाते हैं। उठा यार इनमें से कौन से, ये उठा ले, इसे ये भी उठा ले, ये दो तीन उठा ले, बाकी अब चलते हैं, निकलते हैं यार, लेट हो गए यार। पंप पे आ चुका हूँ मैं और आदिल भाई निकल गया आगे, तो बाकी यहाँ से पेट्रोल लगाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। अच्छा यार, मोटर पे चढ़ चुके हैं, काफ़ी देर हो गई है और ये मेरे आगे जा रहा है, ऐसे नॉन पकड़ेगा कौन, मैं इसको पकड़ूँगा। चल झूठा। बाकी वो आगे जो वाइट रेड लाइट गुजर गई है, वो आदिल भाई जा रहा है स्लीप पे। बाकी अब सफ़र का आगाज हो चुका है और चलते हैं सीधा घर, ब्रेक मारे बगैर, क्योंकि यू नो टाइम शॉर्ट है पाजी। वो जा रही रेड लाइट, वो आदमी भाई जा रहा है और ये ऐसे नॉन जा रहा, पकड़ेगा कौन, हम तो पकड़ सकते हैं और कोई नहीं पकड़ सकता इसको। बाकी चलते हैं, होती है आपसे मुलाकात। तो यार ब्रेक लगाइए मोटरवे पे, वो आदिल भाई खड़ा था हमने और ये ऐसे नॉन खड़ा, पकड़ेगा कौन। बाकी अब यहाँ से निकलते हैं और टाइम हो गया तकरीबन 2:30 बजे का, आप देखते हैं सारी कहाँ पर होती है। ये हमारी स्पीड उत्तर आई है, नहीं निकली बल्कि सही है। बाकी चलते हैं, वो फ्री हो जाए। खाने वाले टूल प्लाजा पे पहुंच चुके हैं और ये हमारी लाइट भी ऑन हो चुकी है गाड़ी की, क्योंकि हमने पेट्रोल अपने अंदाज से डलवाया था आज, गाड़ी को जरा थोड़ा सा भगाया है, जिसकी वजह से जो है ना मेरे ख्याल से अभी डाउन हुई है और लाहौर के अंदर भी चली है। बाकी चलते हैं अब जीटी रोड पे, मुल्तान पहुंचते हैं टाइम से, क्योंकि मुझे से क्या टाइम हो गया है तकरीबन 3:30 बज गए हैं, 4 बज जाएंगे पहुँचते। चलो मालिक। अच्छा तो भाई, इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, दुआ में भाई को याद रखना, अल्लाह हाफिज़। साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता।